And 20 में अप्लाई किया अपने स्टूडेंट वीजा के लिए मैंने वो चीज़ दिखाई नहीं बल्कि उसका वन परसेंट दिखाया तो हम मेरा वीजा लगकर आया लेकिन उस वक्त थोड़ी सी कैटेगरी डिफरेंट थी तो गाइज थोड़ा सा इसमें डीप जाएंगे वीडियो के अंदर और बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई होप आप सब खैरियत से हो गए तो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉर्व है लेकिन एक ऐसा सवाल है जो कोई भी शायद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पुर कर पाया है या उस सवाल का जवाब हर किसी के पास है हर कोई अपना अपना बता रहा होता है बट मैंने शायद कहते हैं ना कि वो एक कोड होता है जो क्रैक कर लिया है तो वो मैंने ना क्रैक कर लिया है कोड अपनी रिसर्च के थ्रू या एक एक प्रोसेस से जो मैं गुजरा था आया हूँ स्टूडेंट वीज़ा के तो आप लोग को थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ कि मैं जब टू में आया तो मेरा स्टूडेंट वीज़ा जब रिजेक्ट हुआ था उसमें लिखा था कि भाई आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं है इस वजह से हम आपका वीज़ा रिजेक्शन कर दें आपके पास इतने पैसे नहीं है फ़ंड्स नहीं है फिर जब वही उसी स्टेटमेंट के साथ मैंने कनाडा का जब अप्लाई किया तो रिजेक्ट हुआ ये रीज़न आया और जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया तो मेरा एक हफ्ते में वीज़ा आया था उसके बाद अब जब मैंने 2020 में अप्लाई किया अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए मैंने वो चीज़ दिखाई नहीं बल्कि उसका वन परसेंट दिखाया था मेरा वीज़ा लगकर आया लेकिन उस वक्त थोड़ी सी कैटेगरी डिफरेंट थी तो गाइज थोड़ा सा इसमें डीप जाएंगे वीडियो के अंदर और बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है अच्छा तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग कोई बाहर जाने का प्लान बनाते हैं या स्टडी वीज़ा या विजिटर वीज़ा या इमिग्रेशन का तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही दिमाग में आता है यार स्टेटमेंट दिखानी होगी ना यार कितने की स्टेटमेंट दिखानी होगी यार बैंक स्टेटमेंट कितने की बनाएं तीन महीने की बनाए छः महीने की बनाएं पैसा कितना दिखाएं यार पैसा कितना दिखाएँ अब यार ये तो कहीं मेंशन ही नहीं है कि पैसा कितना दिखाएं ना आप कनाडा का वीज़ा जब फाइल कर रहे हो तो ना स्टूडेंट पे ना विजिटर पे इमिग्रेशन पे इतना एक्यूरेटली डिफाइन नहीं है कि कितना पैसा दिखाना है बैंक स्टेटमेंट में अब आप कनाडा को हटा के कहीं का भी उठा लो चाहे यूके हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे यूएसए हो कहीं का भी उठा लो कहीं भी इन्हें लिखा हुआ कि एग्जैक्ट प्रूफ ऑफ फंड्स क्या चाहिए तो अब क्योंकि मेरा तो सारा चैनल कैनेडा के बारे में तो मैं आपको सारा कैनेडा के बारे में बताऊंगा कि मैंने वो क्या ऐसी चीज़ उठाई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं वो आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि यार हाँ आप सही कह रहे हो तो चलो गाइस पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू अच्छा तो भाई अब पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे अब अगर स्टूडेंट वीज़ा पे मैं बात करूं ना कि यार जो कनाडा के लिए ना स्टूडेंट वीज़ा फाइल कर रहा है तो उसको स्टेटमेंट कितनी दिखानी है या कितने पैसों की दिखानी है कितने महीने की दिखानी है तो पहले बात करता हूं कितने पैसों की दिखानी है आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि यहां पर दो कैटेगरी हैं एक है एच कैटेगरी और एक है नॉन एस कैटेगरी एच कैटेगरी में तीन ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिक्स पॉइंट फाइव आइलेट्स सिक्स नीच बैंड जी और पहले साल की ट्यूशन फीस अब इतना कर दो मोर देन इनफ होता है लेकिन फिर भी उस पर वीजा रिजेक्ट होता है लेकिन क्यों अब आपको मैं लेके जाऊंगा एक कैनेडिन की आई की वेबसाइट पे सी की वेबसाइट पे जहाँ पे जो इमिग्रेंट्स आ रहे होते हैं ना जो एक्सप्रेस एंट्री या फेडरल स्किल वर्कर्स के थ्रू इमिग्रेंट्स आ रहे होते हैं उनके लिए कैनेडा ने एक मार्जिन बनाया आप ये देख रहे होंगे इधर मार्जिन बनाया कि यार अगर एक बंदा आ रहा है ना तो उसके पास तेरह हजार डॉलर एक साल का खर्चा होना चाहिए इसी तरह अगर एक बंदा और ऐड हो जाता है तो तीन साढ़े तीन हजार डॉलर और ऐड हो जाते हैं दो और थोड़ा पैसा ऐड हो जाता है ये तो इमिग्रेशन वालों के लिए तो इमिग्रेशन को मैं लास्ट में रखता हूं लेकिन क्योंकि उनका थोड़ा डिफाइन है बट स्टूडेंट और विजिटर का वीजा डिफाइंड नहीं है तो स्टूडेंट वगैरह अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट वीजा पे तो यार स्टूडेंट वीज़ा पे एस डी एस कैटेगरी में दस हज़ार डॉलर तो आपके दिखा दिया यार ये एक साल का लिविंग एक्सपेंस है और आपने दिखा दिया कि यार आ, मैंने एक साल की फीस भी पे कर दी है लेकिन हर किसी का प्रोग्राम तो एक साल का नहीं होता ना उनका होता है दो साल का चार साल का उसका क्या करें उसकी कैसे दिखाएं फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं तो एक मिस करते हैं यहाँ पे चीज़ लोग वो मिस करते हैं कि पैसा कितना दिखाना है एस डी एस कैटेगरी में याद रखिएगा कि आप एटलीस्ट थ्री टू फाइव थाउजेंड कैनेडियन डॉलर्स ऊपर दिखाओगे अपनी बैंक स्टेटमेंट में थ्री टू फाइव थाउजेंड कैनेडियन डॉलर्स आप अपनी जीआईसी के बाद अपनी पहले साल की फीस के बाद थोड़ा सा दिखाओ उसको ये पता चले कि आप पैसा कुछ कैरी कर रहे हो अब आप यार ये सोचो आप टिकट का पैसा कहाँ से दिखाओगे आप बाकी सारी चीज़ें कहाँ से दिखाओगे तो ये बात सारे स्टूडेंट जो एस कैटेगरी वाले वो जहन में रखें कि भाई आपको कितना फंडस दिखाना है दस हज़ार जी पहले साल की ट्यूशन फीस और उसके बाद क्या दिखाना है थ्री टू फाइव थाउजेंड कैंडिडियन डॉलर्स जिसमें आपने टिकट यहाँ पे आके थोड़ा बहुत आपका खर्चा होगा क्योंकि यहां पे आपको थोड़े से शुरू में पैसे देने पड़ते हैं घर आप जो होते हो तो आपको थोड़ा सा पैसा ऊपर देना पड़ता है डिपॉजिट के तौर पर ये सारी चीजों के तौर पर तो एच कैटेगरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब मैं बात करता हूँ नॉन एच कैटेगरी की अब आपको एच कैटेगरी में तो बता दिया ना लोगों ने यार आपका दस हज़ार खर्चा एक्चुअली पहले एक बंदे का कितना खर्चा है तेरह हज़ार और आप कितने जी में दिखा रहे थे एस में दस हज़ार तीन हज़ार का बफर रख के जाओ बैंक स्टेटमेंट के अंदर और ये सब पूछते हैं यार हमें बैंक स्टेटमेंट में लगाएं ये वाला वा लगाओ तीन थाउजेंड थ्री टू फाइव थाउजेंड के ब्रैकेट में लगा सकते हो लगा के दिखाओ कि यार ये पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है फॉर द सेफ्टी साइड और यही चीज़ एसओपी में भी मैंशन करो अब स्टूडेंट में नॉन एस डी एस कैटेगरी भी आती है नॉन एच डी एस कैटेगरी में मसला ये होता है कि उस लोगों के पास इतना फंड नहीं होता और चांसेस ऑफ वीज़ा रिजेक्शन ज़्यादा होते हैं क्योंकि कुछ डिफाइन नहीं है एस डी एस में तो डिफाइन है प्रोसेसिंग भी टाइम स्लो है तो अगर मैं इधर की बैंक स्टेटमेंट की बात करूं तो मैं ये जहन में रखूंगा कि अगर मुझे हाउ टू मेक अ बैंक स्टेटमेंट पे बात करनी हो तो मैं ये जहन में रखूंगा कि मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी तेरह हज़ार डॉर्स थर्टीन थाउजेंड डॉलर्स प्लस एक साल की ट्यूशन फीस क्योंकि आप एक सेमेस्टर की पे कर कर आते हो लेकिन आप बफर कितना रखोगे कि अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये नॉन एच के ऊपर बात हो रही है तेरह कैनेडियन डॉलर्स और पहले साल की ट्यूशन फीस आप जिधर भी जा रहे हो हर जगह की ट्यूशन फीस डिफरेंट होती है बैचलर्स की डिफरेंट है डिप्लोमा की डिफरेंट है मास्टर्स की डिफरेंट है तो आप पहला क्या रखोगे तेरह हज़ार एक साल का खर्चा दूसरा पहले साल की यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो नॉन एच कैटेगरी वाले और दो से तीन हज़ार तीन से पाँच हज़ार डॉलर ऊपर ये तीनों को प्लस कर दो आपकी स्टेटमेंट का अमाउंट बता दिया मैंने अब आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा कि आप बोलोगे कि यार हम लोगों ने आपको फाइनेंशियल रीजन पर किया तो आपने तीनों चीज़ें तो कवर कर दी पहले साल की यूनिवर्सिटी की भी फीस कर दी जो एच वाला कर रहा था आपने खर्चा भी बता दिया कितना खर्चा है आपका भाई पहले साल का खर्चा बता दिया आपने पहले साल की ट्यूशन फीस का खर्चा दिखा दिया बैंक स्टेटमेंट के तौर पर और फिर आपने क्या दिखा दिया तीन से पांच हजार आपने बफर दिखा दिया जो मैं एस डी एस कैटेगरी में भी बात कर रहा था अब यहाँ पे ये यह बात आती है यार हम कितने महीने की स्टेटमेंट दिखाएं स्टेटमेंट में क्या करते हैं लोग गलती बहुत बड़ी ये लोग ये समझते हैं हमें एजेंट्स पता नहीं दस हजार लोग हमारे को कहानी भर रहे होते हैं और ये सब ये समझाते हैं यार करोड़ की दिखा दो वीजा लग जाएगा और नहीं लगना वीजा वीजा लगना ही नहीं है क्यों लगेगा वीजा आपके पास पहले होते थे हजारों रुपए आप कमाते थे बीस हज़ार रुपये पच्चीस हजार रुपये आपकी सैलरी हुआ करती थी माँ बाप के पैसों पे आप पलते थे या दस हजार रीजन आपके होते थे मेजोरिटी केस में यही होता है यार और अचानक आपके अकाउंट में या आपके अम्मा अब्बा के अकाउंट में वो बेचारे जो हजारों लाखों में कमाते थे ये चलो हजारों में ही कमाते लाखों में तो हर किसी की ऑब्वियसली नहीं होती आपके पास लाखों रुपये गिर रहे हैं तीस लाख चालीस लाख पचास लाख यार आप अकल से बताए उसको नहीं पता चलेगा आपने किसी से पैसा उधार लेके बैंक स्टेटमेंट बनवा रहे हैं आपको उसको एम्बेसी को ये पता होना चाहिए कि ये जो पैसा आपकी स्टेटमेंट में है ये आपका अपना है तो उसके लिए मैं एक ड्यूरेशन बता देता हूँ थ्री मंथ्स टू सिक्स मंथ्स थ्री मंथ्स टू सिक्स मंथ्स थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के मेंटेन करो इतना ज्यादा दिखाओ ही नहीं ना कि फंसना पड़े नॉर्मल अमाउंट दिखाओ अब जैसे मैंने बताया कि यार अगर आप नॉन कैटेगरी में तो आप वुड रिकमेंड छह महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखाना और एसडीएस कैटेगरी में हो तो तीन महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखाना तो नॉन एसडीएस कैटेगरी में अगर आप छह महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखा रहे हो तो उस छह महीने तक आपका बैलेंस कितना मेंटेन में होना चाहिए अराउंड फिफ्टी लाख रुपीज और अगर आप एसडीएस में वीजा फाइल करो तो आपका बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस होना चाहिए एसडीएस कैटेगरी के अंदर अराउंड टेन लैक्स रुपीज या फाइव टू टेन लैक्स रुपीज आप पाकिस्तानी रुपए में तो मैंने बात कर दी लेकिन आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके देख लो अगर आप लोग इंडिया से देख रहे हो या कहीं से भी देख रहे हो आप कैनेडियन डॉलर्स को इस थर्टीन थाउजेंड डॉलर्स को जो मैंने आपको टेबल और चार्ट दिखाया इसको आप कन्वर्ट कर दो अपने अपनी जो भी आपकी कंट्री की करेंसी हो उसके अंदर और स्टेटमेंट बना लो और आपको टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया अब मैं बात करता हूँ विजिटर वीज़ा वालों की ओके गाइस इमिग्रेशन वालों के लिए तो डिफाइंड है मैं उनको बोलूँगा उसी तरह जाए विज़िटर वीज़ा के लिए आप लोग काफ़ी लोग जो है वो कर रहे होते हैं स्पाउस का वीज़ा इसमें स्पाउस का विजिटर वीज़ा भी अप्लाई कर रहे होते हैं वैसे भी वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो मेरा आप लोगों से पर्सनल रिकमेंडेशन ये कि विजिटर वीज़ा में भी यही जहन में रखें कि आपको जो विजिटर वीज़ा मिल रहा होता है ना वो आपको मिलता है एक्चुअली सिक्स मंथ्स का आप सिक्स मंथ्स होता है एक्चुअली तो आपको मिलता है कि दस साल तक आप विजिटर वीज़ा आपको मिलता है फाइव टू टेन ईयर्स का और उसमें आप सिक्स मंथ्स में आपको बॉर्डर एंट्री एग्जिट करना होता है तो इसकी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है इसमें भी मैं आपको सबको यही रिकमेंड करूंगा कि आपका टाइम ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो सिक्स मंथ्स होना चाहिए और आपका जो बैलेंस होना चाहिए आपका जो बैलेंस होना चाहिए यार वो उसी इमिग्रेशन वाले चार्ट को फॉलो करो कितना तेरह हजार डॉलर एटलीस्ट ट्वेंटी लैक्स पाकिस्तानी टू थर्टी लैक्स और अगर आप कहीं से भी देख रहे हो तो थर्टीन थाउजेंड टू फिफ्टीन थाउजेंड कैनिडियन डॉलर उसको अपनी करेंसी में आप कन्वर्ट कर लो सिक्स मंथ स्टेटमेंट दिखाओ और सिक्स मंथ स्टेटमेंट दिखाओ और छः महीने तक वो पैसा पड़ा होना चाहिए यार टेगनेटली ये नहीं कि अचानक से उठा के पैसा आ रहा है और अचानक से पैसा जा रहा है वो वीज़ा ऑफिसर तो बावला हो जाना है उसको कि पैसा आ कहाँ से रहे जा कहाँ से रहे तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन अ बैंक स्टेटमेंट दैट इज कॉन्स्टेंट नॉट इट्स शोइंग अ हाईज एंड सो दिस क्रिएट्स अ डाउट इन वीजा ऑफिसर माइंड कि यार ये क्या हो रहा है अच्छा अब प्रूफ ऑफ फंड्स में ये हम लोग हाउ टू मेंटेन अ बैंक स्टेटमेंट में हम लोग ये बात करते हैं जो कि प्रूफ ऑफ फंड्स भी कहलाता है कि अब हम बात करते हैं यार इमिग्रेशन पे जो आ रहे होते हैं एक्सप्रेस एंट्री फेडरल स्किल वर्कर्स के थ्रू डिफरेंट रूट रूट्स के थ्रू जो इमिग्रेशन पर आ रहे होते हैं कैनेडा वो पैसा कितना शो करें यार उनके लिए ना यहाँ पे सब डिफाइन है बहुत ही ईजी प्रोसेस है उनके लिए सब डिफाइंड है लेकिन इस चीज़ को मैंने बेस रखा था स्टूडेंट और विजिटर के लिए स्टूडेंट और विजिटर वीज़ा को मैंने ये बेस बनाई थी क्योंकि यार और कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है तो और अगर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैंने को यहीं से बनाना है ना तो इसमें मैंने ये देखा और मैंने अपने पास एक्सपीरियंस से ये सीखा कि यार इतना तो खर्चा है अराउंड ना अगर मैं महीने की बात करूँ ना तो अराउंड एट हंड्रेड टू थाउजेंड कैनेडियन डॉलर्स एक बंदे का महीने का एक बंदे का खर्चा एक बंदे का और ऑब्वियसली एक और बंदा जुड़ जाता है तो आपका खर्चा जो है वो बाइफरकेट हो जाता है दो बंदों से डिवाइड हो जाता है तो अब इमिग्रेशन पे जो आ रहे हैं ना वो ये चार्ट फॉलो करके अपने फंड्स बनाएं कैनेडियन डॉलर्स जहन में रखें और आप जिस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं उस कंट्री में ये कन्वर्ट उसके एक्सचेंज रेट से कैनेडियन डॉलर को आप कन्वर्ट कर लें कि भाई कितने कैनेडियन डॉलर्स बन रहे हैं आपकी नॉर्मल करेंसी बन रही है लोकल करेंसी तो कैनेडियन डॉलर्स में अगर एक बंदे की बात करूँ मैं थर्टीन थाउजेंड है और फिर ये दो मेंबर्स हैं अब इमिग्रेशन में ये होता है यार आ रही होती हैं तो हस्बैंड वाइफ ये दो फिर जो भी बच्चे जितने हैं उतना वो ऐड हो जाता है तो ये इस तरह आप लोग प्रूफ ऑफ फंड्स को या बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते हो और प्रूफ ऑफ फंड्स में ये जहन में रखिएगा टाइम ड्यूरेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट इज़ यूजली थ्री टू सिक्स मंथ्स बट आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि इफ यू कैन मेंटेन फॉर सिक्स मंथ्स दैट इज़ रियली गुड बट मिनिमम तीन महीने तो दिखाएं ही दिखाएँ चाहे स्टूडेंट चाहे विजिटर चाहे इमिग्रेशन ओके okay गाइज़ तो आज मैं यहाँ तक ये रखता हूँ लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर स्टेटमेंट भी खाली हो तो वीज़ा के चांसेस 50 50 होते हैं वो तो किस्मत ही होती है ऑब्वियसली और थोड़ा सा आपको अपना भी एफर्ट डालना पड़ता है और जो सर जैसा आपका पैसा आ रहा है ना फंड्स आ रहे हैं उनको कोशिश करें कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ जब आप वीज़ा के लिए फाइल करते हो उसमें भी ये चीज़ बताओ यार आपका पैसा कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है तो गाइज़ आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बताओ कि मैं अगर बात करता हूँ और डिटेल में दैट इज़ कि आपने बैंक स्टेटमेंट के अलावा क्या क्या लगाया था और वो चीज़ ऐसी थी जो कैनेडा में बहुत काम करती है तो गई अगर आप लोगों को ये समझ आता है कि यार आप लोगों को किसी और चीज़ पे पूछना है या और चीज़ में आप लोगों का दिमाग जाता है या वो पूछना है जो आपने लगाया था कि यार आपका पहले रिजेक्ट हुआ एक्सेप्ट ऐसे क्यों हो गया अचानक से क्यों हो गया तो मैं आपको और प्रूफ ऑफ फंड भी बताऊँगा बैंक स्टेटमेंट के अलावा जो मैंने लगाए थे और एम्बेसी ने फ़ॉरन वीज़ा दे दिया था तो ठीक है गाइस फिर ये वाली डॉक्यूमेंट जो है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा वैसे <laughs> तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रूफ ऑफ फंड्स भी कवर करूं बैंक स्टेटमेंट के अलावा वाले तो कमेंट करके बताएं अगर आप जानना चाहते हैं और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मे बी पॉसिबल हो कि आपके कोई रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स कोई भी जो है वो इस वीडियो से हेल्प हो सकती है तो कोशिश करें और आई थिंक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो गाइज देखें और सब्सक्राइब करें चैनल क्योंकि आई एम डेफिनेटली कमिंग अप विद लॉट्स ऑफ वीडियोज़ आर हाइट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़